वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। आज के वीडियो में बंदी सिख मोर्चे के बारे में आपको चार महत्वपूर्ण जानकारियां देने वाला हूं। बंदी सिख मोर्चे के अंदर अमृत छकने के लिए संगत की बहुत भारी मात्रा में जो भीड़ है वो उमड़ रही है। बंदी सिख मोर्चे को शुरू हुए एक महीने से ज्यादा का समय हो गया है। ऐसे में बंदी सिख मोर्चे में संगत का भारी इकट्ठ होना शुरू हो गया है। बंदी सिख मोर्चे में सिख इतिहास से जुड़ी जानकारी देने के लिए आप अपना आधार कार्ड देकर वहां पर ऐतिहासिक किताबों का लंगर चल रहा है उसमें से किसी भी बुक को खरीद सकते हैं और पढ़ सकते हैं, बाद में आप इसे रिटर्न कर सकते हैं। साथ में बड़ी बात यह है कि जिस प्रकार वहां पर दूसरा खाने पीने का लंगर चल रहा है, इसी प्रकार अमृत छकाने के लिए भी विशेष प्रबंध किया गया है। अमृत छकने के लिए जो बंदोबस्त किया गया, हर रोज वहां पर सैकड़ों नौजवान अमृत छकने के लिए अपना नाम रजिस्टर में लिखवा रहे हैं। 19 फरवरी को मोहाली के नजदीक गुरुद्वारा सोहाना साहिब के नजदीक एक नया गुरुद्वारा है, वहां पर इन सभी सिंहों को अमृत छकाया जाएगा। जिनको अमृत छकना है वह 19 फरवरी को वहां पर पहुंचे। तीसरी बात करें तो तीसरी बात है अमृतधारी सिखों के लिए। जिन अमृतधारी सिखों ने अपने असले का लाइसेंस रिन्यू करवाना है वो वहीं से असले का लाइसेंस रिन्यू करवा सकते हैं। साथ में ही निहंग सिख और बाकी के सिख वहाँ पर बाबा बुड्ढा दल द्वारा नए असले का लाइसेंस बनवा सकते हैं। असले का लाइसेंस बनाने और रिन्यू करने के लिए भी वहां पर खास प्रबंध किया गया है। साथ में ही सिखों को आध्यात्मिक ज्ञान से लेकर सिख इतिहास और सिखों के साथ सरकार का कैसा बर्ताव रहा, इसके बारे में भी सारी जानकारी मेन स्टेज से दी जाती है। अब आप बताएं कि क्या आप बंदी सिख मोर्चे में जा चुके हैं या जाने वाले हैं, इसके संबंधी भी आप नीचे वीडियो में कमेंट करके जरूर बताना। हर रोज हजारों की तादाद में संगत अपना इकट्ठ बढ़ाती जा रही है। आप भी इस योगदान में अपना हिस्सा डालो। और आपको हमारा आज का वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो को लाइक करना और आगे शेयर जरूर करना। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। धन्यवाद। मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे कर लें और वीडियो को लाइक करने के बाद, कमेंट करने के बाद व्हाट्सएप में शेयर जरूर करना।